बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर 10 का ये थर्ड लेक्चर, और इस लेक्चर में शामिल किए गए हैं टॉपिक्स बॉल एंड बॉल सिस्टम एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो एक्चुअली हमने इसमें ये प्रूव करना है कि एक बाउल के अंदर जो बॉल की मूवमेंट है वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो देखिए, ये एक बाउल का एक सामने से फ्रंट से पोर्शन शो किया हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पर एक बॉल पड़ी है। तो इस पोजीशन में बॉल का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और रिएक्शन जो है वो अपवर्ड। तो वेट और रिएक्शन ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो इस पॉइंट ओ पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल वो इक्वल हो जाती है जीरो। लेकिन इसके बाद अगर बॉल को यहाँ से डिस्प्लेस करके पॉइंट ए पर लाया जाए, अब यहाँ पर पॉइंट ए पर बॉल जो वो रेस्ट में नहीं स्टे करेगी, क्योंकि अब इसकी जो वेट का एक कंपोनेंट है वो डायरेक्टेड हो जाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और वही वेट का कंपोनेंट जो मीन पोजीशन की तरफ होगा वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, और उसके अंडर बॉल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, यहाँ पर जाकर मैक्सिमम स्पीड, और ड्यू टू इनर्शिया फिर बॉल जो है वो ओ पर रुकने की बजाय उसको क्रॉस करेगी और आगे पॉइंट बी की तरफ चली जाएगी। तो याद रखें कि जब ए से ओ की तरफ बॉल आ रही है आएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट ओ पर जाकर स्पीड मैक्सिमम होगी, और चूंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है तो पॉइंट ओ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसके बाद ओ से बी की तरफ जब इसने मूव करना है तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजिशन, सो दैट इज वाई इसकी स्पीड जो है ओ से बी की तरफ जाते हुए डिक्रीज होती जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। पॉइंट बी पर जाकर स्पीड डिक्रीज होते होते पॉइंट बी पर जाकर स्पीड जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, और फिर उसी रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर जो बॉडी है वो फिर मूव करेगी टुवर्ड मीन पोजिशन, फिर इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, फिर बी से जब बॉल ओ पर पहुंच जाएगी तो स्पीड मैक्सिमम एक्सेलरेशन जीरो। इस तरह फिर ड्यू टू इनर्शिया ये बॉल जो है फिर यहाँ नहीं रुकेगी, आगे ए की तरफ मूव कर जाएगी। इस तरह ये जो ऑसिलेशन हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, और हर बार यही चीज क्लियर हो रही है कि इसका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ आते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डायरेक्शन उसकी मीन पोजीशन की तरफ है। हर बार बॉडी मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट होती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, और दूसरी बात कि एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, और जैसे जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगी इसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। इस बेस पर हम ये कह लेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, व्हेन द बॉल इज एट मीन पोजीशन ओ दैट इज एट द सेंटर ऑफ द बाउल, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। इस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगी। इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉल। मतलब कि यहाँ पर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है वो अपर डायरेक्शन में करता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो नेट फोर्स इस वजह से जीरो होगी। हेंस देयर इज नो मोशन इफ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजिशन ए, यानी अब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बॉल को पोजिशन ए पर अगर ले आते हैं, और जब देन रिलीज द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स
और ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिली, कास्ट बाई दी बाई इट्स वेट एट पोजिशन ओ बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड एंड ड्यू टू इनर्शिया इट मूव टूवर्ड दी एक्सट्रीम पोजिशन डी। यहाँ ओ पर स्पीड मैक्सिमम होगी, हालांकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, इसके बावजूद इनर्शिया की वजह से बॉल जो है वो यहाँ स्टे नहीं करेगी बल्कि आगे मूव कर जाएगी टूवर्ड्स बी, और फिर ओ से बी की तरफ जाते हुए डेफिनेटली ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी स्पीड में डिक्रीज आनी है। वाइल गोइंग टूवर्ड द पोजिशन बी स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड्स मीन पोजिशन। एट पोजिशन बी बॉल स्टॉप्स फॉर अ वाइल एंड देन अगेन मूव टूवर्ड मीन पोजिशन ओ अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉल कंटिन्यूज अबाउट मीन पोजिशन ओ टिल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट। तो दस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉल अबाउट मीन पोजिशन प्लेस इन अ बाउल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन। सिंपल हारमोनिक मोशन क्यों ये है, वही दो करेक्टरिस्टिक्स, इसका जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन है और एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ दी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑसिलेटरी मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में आते होते हैं। तो अभी तक जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्री टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी मेन पॉइंट्स, सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी हमेशा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होता है। एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और उसके बाद एक्सेलेरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, की वजह के रिस्टोरिंग फोर्स बिकम जीरो एट मीन पोजीशन एंड बिकम्स मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर वेलोसिटी की अगर प्रॉपर्टी बताएं, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट पे प्रॉपर्टी ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन होता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मैं फिगर से आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है। देखिए अगर बॉडी बॉल जो है या कोई भी बॉडी इस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पर है, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, यहाँ से ये मूव करते हुए मीन की तरफ आए और वहां से फिर मूव करते हुए सेकंड एक्सट्रीम की तरफ चले जाए और फिर वहां से मूव करते हुए वापस उसी पहली एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आ जाए, तो ये होती है इसकी वन ऑसिलेशन, ए से ओ फिर ओ से बी वापस ओ बी से ओ और फिर ए तक आ जाए, इसे कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये वन ऑसिलेशन होती है। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप यानी एक पूरा चक्कर जो है ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट फिर है टाइम पीरियड, तो ये वो टाइम है जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ये होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या सिंपल वर्ड में ये कह लें कोई ऑसिलेटिंग बॉडी एक सेकंड में जितनी बार ऑसिलेट होती है जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यूमेरिकली फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होती है वन ओवर टाइम पीरियड। तो दूसरे वर्ड में ये कह लें कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है,
इसका यूनिट देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है वन ओवर टाइम पीरियड। जब हम यूनिट लिखेंगे तो आएगा वन ओवर सेकेंड, या यूं कह लें कि एस आई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड, और यही पर सेकेंड इक्वल होता है हर्ट्स। एस आई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स विच इज इक्वल टू वन पर वन हर्ट्स इक्वल टू वन पर सेकेंड। ये नेक्स्ट फिर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। डैम्ड ऑसिलेशंस, दीज आर द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। तो ये वो ऑसिलेशन हैं जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के अंडर होती है। एक्चुअली सारी ऑसिलेशन ही डैम्ड ऑसिलेशन होती हैं। तो जब बॉडी ऑसिलेट करती है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो इस रेजिस्टिव फोर्स के अंडर जो ऑसिलेशन होती हैं इनको कहा जाता है डैम्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है व्हाट आर डैम्ड ऑसिलेशन, या ये क्वेश्चन आएगा व्हाट आर डैम्ड ऑसिलेशन गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड एट वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, इवन ऑसिलेशन ऑफ बॉल इन अ बाउल, ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारी ऑसिलेशन खैर फिर जो है वो डैम्ड ऑसिलेशन ही होती हैं, क्योंकि इन पर एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस लाजमी एक्ट कर रही होती हैं। मेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, मेन जो फोर्स है वो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट फिर इसकी रीजन क्या है डैम्पिंग अगर हो रही है तो इसकी रीजन, प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनफिनिटीली। तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पास। तो मेन जो इसमें डैम्पिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिस वजह से जो इसका एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और फिर टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता गया। उसकी वजह की रीजन ये है कि डैम्पिंग हो रही है, यहाँ पर एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसकी, ये गाड़ी के जो शॉक अब्जॉर्बर हैं वहाँ पर ये डैम्ड ऑसिलेशन को प्रैक्टिकली खुद यूज़ किया जाता है। वैसे तो इसमें एनर्जी लॉस होते हैं लेकिन शॉक अब्जॉर्बर के अंदर डैम्ड ऑसिलेशन में जो शॉक अब्जॉर्बर एनर्जी लॉस करेंगे ये हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं। शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। ये देखिए ये शॉक ऑब्जर्वर में ये इसका सिलेंडर है और इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये इसका पिस्टन है जिसने सिलेंडर के अगर मूव करना है, ऊपर इसके ऑयल भरा होता है। तो ये गाड़ी के व्हील के साथ साइड पर लगे होते हैं, तो जब कहीं अनवांटेड कोई सडन जर्क मिलती है, कोई झटका लगता है गाड़ी के व्हील को, तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो यहाँ ट्रांसफर होती है और उसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो लिक्विड के अंदर सिलेंडर के अंदर मूव करता है और हाई फ्रिक्शन की वजह से वो जो अनडिजायर्ड अनवांटेड एक फोर्स यहाँ पर आई थी, एनर्जी मिली थी, वो यहाँ पर ज़ाया हो जाती है और ये शॉक ऑब्जर्वर के अंदर ही अनवांटेड एनर्जी जो सडन पल्स मिलती है, जर्क मिलती है, वो यहाँ पर लॉस कर दी जाती है। अगर ये लॉस ना की जाए तो फिर सारा जो सडन या यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस हुई है ये फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगी गाड़ी की बॉडी को और सीट्स को, तो वो फिर हमारे लिए डिस्टर्बिंग होगी। इसलिए जब कोई जंप वगैरह से सडन यहाँ जर्क मिलेगी, पल्स मिलेगी, तो वो शॉक ऑब्जॉर्वर के अंदर उस एनर्जी को ज़ाया कर दी जाता है और वो जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो लिक्विड से फिर कंडक्ट होकर बाहर एयर में चली जाती है।
वेव मोशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि वेव किस तरह मूव करती हैं और इनकी मूवमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। तो वेव प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इट इज बिकॉज वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। तो ये हमारे लिए मेन एडवांटेज ये है कि वेव के थ्रू हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेन एनर्जी कैरियर्स हैं। जैसे सन से हीट और लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी है वो हमारी जमीन तक वो वेव्स की फॉर्म में आती है। तो ये वेव्स एज एनर्जी कैरियर एक्ट करती हैं। फिर इसी तरह हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो भी थ्रू वेव्स होती है। तो अब वेव को जनरेट करने के लिए देखें, ये एक ट्रफ है, पानी इसमें भरा हुआ है। तो इसमें अगर पेंसिल आप अप डाउन टिप करें, ऐसा करने में आपकी एनर्जी यूज हुई है और वो एनर्जी जिससे ये डिस्टरबेंस पैदा की जा रही है उसकी वजह से यहाँ पर वाटर के अंदर ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और फिर वेव्स यहाँ से आगे एक्सपेंड होती हैं, प्रोपेगेट होती हैं, फैलती हैं। तो ये इनके डिफरेंट फेजेस हैं। वेव यहाँ पर थी, फिर आगे मूव करके यहाँ आ गई, फिर इधर इधर। एक्चुअली हम बताना ये चाह रहे हैं कि कैसे वेव जो हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं। तो यहाँ पर आप एनर्जी यूज कर रहे हो वेव को जनरेट करने के लिए, उनसे जो वेव बनी है वो आगे एनर्जी कैरी करके लेके जा रही हैं। इसका प्रूफ ये होगा कि किसी जगह पर वाटर पर अगर हम कॉर्क रख दें तो जब वेव यहाँ पर पहुंचती हैं तो ये कॉर्क अप डाउन मूव करना शुरू करेगा। अब ये अप डाउन मूवमेंट ये शो करती है कि इस कॉर्क को कोई एनर्जी है जो अप डाउन मूव कर रही है। तो वो कौन सी एनर्जी थी? वो वाली एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हुई है जो हमने वेव को जनरेट करने के लिए एनर्जी यूज की थी। वो एनर्जी अब वेव के थ्रू आगे ट्रांसफर होती जा रही है और कार का अप डाउन जो मूव करना है वो भी उसी एनर्जी के ट्रांसफर होने का एविडेंस है। तो ये था ये दूसरी बात। ये एक स्ट्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करें, इसको अप डाउन मूव करें, इसमें जो पॉइंट है वो वर्टिकली अप डाउन मूव करेगा जबकि वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर जाएगी। अब ये किसी भी पार्टिकल का या स्ट्रिंग के अंदर पार्टिकल का अप डाउन मूव करना क्या शो करता है? ये शो करता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू वेव्स। इसके साथ ही आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।